हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं बॉलीवुड केसरी। प्रभास की मच अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के टीजर को लेकर शुरू हुआ विवाद फिलहाल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों से इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही फिल्म के मेकर्स पर रामायण का इस्लामीकरण करने का आरोप लगाने के साथ ही नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया कि अगर इस फिल्म से विवादित सीन्स को नहीं हटाया गया तो फिल्म के निर्देशक और मेकर्स पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में फिल्म के निर्देशक ओम राउत ने भी अब अपना रिएक्शन दिया है। ओम राउत ने कहा है कि उन्हें इस फिल्म में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, जिसके बाद अपनी फिल्म में वो किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब आदि पुरुष को लेकर तमाम विवादों के बीच ओम राउत ने अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु को लेकर भी अपना रिएक्शन दिया है। बता दें कि बीते कई दिनों से अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु भी कई तरह के विवादों को झेल रही है। इस फिल्म की तारीफ करते हुए ओम राउत कहते हैं कि उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि राम सेतु में दिखाया गया कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये फिल्म दुनिया और हमारी नई जनरेशन को ये दिखाएगी कि रामायण हमारा इतिहास है और ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है। इसके साथ ही ओम राउत ने ये भी कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार से मुलाकात करके ये भी बताया कि उन्हें इस फिल्म पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। बता दें कि अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु और प्रभास की फिल्म आदि पुरुष दोनों ही रामायण से जुड़ी हुई है। ऐसे में दोनों फिल्मों की तुलना भी सोशल मीडिया पर जमकर की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स भी कई तरह के कमेंट करके अपना रिएक्शन दे रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा नजर आने वाली है। अब अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर ओम राउत ने तो फिल्म की तारीफ कर दी है, लेकिन आदि पुरुष को लेकर विवाद कब थमेगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी बॉलीवुड और टीवी की दुनिया से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।